तंबाकू रस से बनने वाले उत्पाद मौत का कारण बन रहे हैं। फिर भी हैरानी भरी बात यह है कि भारत में तंबाकू से होने वाली मौतों में लगातार हो रहे इजाफे के बाद भी लोग तंबाकू से तौबा नहीं कर रहे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आज अस्पताल में हुई कार्यशाला के दौरान चिकित्सकों ने तंबाकू से होने वाले विनाश और उसके दुष्परिणामों को सामने रखा। चिकित्सकों की माने तो भारत में तंबाकू से होने वाले कैंसर की वजह से सबसे अधिक जानों जा रही है। इससे मुंह और गालों को ही नहीं बल्कि शरीर के अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचता है। इसके बाद भी लोग इसे खाना नहीं छोड़ रहे। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों को तंबाकू का सेवन नहीं करने का संकल्प भी दिलाया गया। बहुत ही खतरनाक स्थिति में है, क्योंकि जब तक उसको हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि वो खराब चीज है, तब तक उसके प्रति सोच चेंज नहीं होगी। उसका सेवन करते हैं हमारे भाई, पापा, चाचा, ताऊ, दोस्त, लेकिन कभी किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा होगा कि आप नशा। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात कि किसी भी नशे की शुरुआत तंबाकू से ही होती है। निषेध दिवस है, मतलब यह है कि आज हम संकल्प लें और संकल्पित करें लोगों को कि तंबाकू का सेवन न करें। तंबाकू सेवन से मुख्य रूप से कैंसर, ठीक है, छोटे बच्चों में इसकी लत शुरू होती है, लोग तंबाकू से ही नशे की शुरुआत करते हैं। मेरा उद्देश्य यह है, आज इस कार्यशाला का उद्देश्य है छात्र छात्राओं और ऐसे बच्चों जो कि छोटे बच्चे हैं उनको इसके प्रति जागरूक करें कि वो तंबाकू का सेवन ना करें।